जैन बेटा, आज छोटी सी वीडियो में हम क्या लेके आए हैं आपको, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में। आपको पता है बेटा कि अब बहुत सारी जॉब्स इस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की निकल रही हैं। पीछे भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और आज भी जो जिस पोस्ट के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ बेटा, वो कौन सी वाली पोस्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान देना है कि इस बार जो पोस्ट निकली है बेटा, दैट इज़ ऑफ द, एक मिनट है ना, यहाँ पे इसको देखते हैं। ये आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ठीक है ना। आप इसको शॉर्ट में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। एओसी की पोस्ट बेटा यहाँ पे निकली है। ये उनकी वेबसाइट है जहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ली है और आपको जो है ये बहुत काम में आ सकती है। अगर आप 10th पास हैं तो मैट्रिकुलेशन आपने करी है और आपको लगता है कि हाईली आप क्वालिफाइड नहीं है और आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे इन जॉब्स में जा सकते हो बेटा, तो थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस इसके बारे में करने वाले, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में ये पोस्ट निकली है और आपकी जो आप मैट्रिकुलेशन है तो आप जरूर ये वीडियो सुन के जाना। 10th पास है आप तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। लेट स्टार्ट विद द वीडियो, ठीक है ना। वीडियो के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज है। सबसे पहले देखो ये पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट है बेटा, पूरी की पूरी आपको यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको सारी मिलने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो आप यहाँ पे ये पता लग गया आपको कि ये जो जॉब्स है बेटा ये कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की ये सारी के सारी नौकरियां हैं, ठीक है। तो फिलिंग अप द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस यूनिट्स एंड, और आप समझ सकते हो इसके जितने भी इसके अलग अलग जो डिपार्ट्स है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है बेटा। तो ये आपकी जो पोस्ट है इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कैसी कैसी वैकेंसीज आपको जो है यहाँ पे होने वाली है। लेट सी हेयर, यहाँ पे इसको देखो बेटा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब आपसे एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है एलिजिबल कैंडिडेट से फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, इन सारी पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना जो है बेटा दैट इज पॉसिबल। अब है क्या ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आपकी जो पोस्ट निकली है बेटा वो आपको पता ही है कि किस चीज़ में, आपकी दो कैटेगरीज में निकली है, एक आपकी ट्रेड्स मेट में है और एक फायरमैन में, ठीक है ना। तो जो ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है इसमें आपको एक पोस्ट जो निकली है बेटा वो ट्रेड्स मेट में है और एक फायरमैन में। इसमें इन्होंने ये भी बता के रखा है कि रिजर्व फॉर कितनी कितनी पोस्ट किस किस के लिए रिजर्व है। अगर आप सिंपली देखो बेटा तो अनरिजर्व 508 आपके ट्रेड्स मेट के लिए और फायरमैन के लिए 222, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए टोटल मिला के जो है पोस्ट है 1249। इतनी पोस्ट बेटा आपके लिए यहां पे निकल रखी है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए भी यहाँ पे डिफरेंट चैलेंज, जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं उनके लिए डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं पूरा यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि वो कैसे हैं, पार्शली ब्लाइंड हैं या डेफ हैं, ऐसे जो भी फिजिकली चैलेंज उनको प्रॉब्लम्स है बेटा उनके लिए भी ये पोस्ट मिला के निकल रखी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप सैलरी की बात देखें तो 18,000 आपकी बेसिक किसके लिए रहेगी बेटा, दैट इज ट्रेड्स मैन मेट के लिए, और फायरमैन के लिए 19,900। फिर इसमें और अलाउंसेस प्लस होते तो अच्छी खासी सैलरी गवर्नमेंट जॉब में तो बननी जाती है, ये तो आपको पता ही रहता है, ओके। तो आप यहाँ पे बेटा एक चीज़ देख सकते हो कि आपको दो तरह की जो कैटेगरी है और दो तरह की पोस्ट यहाँ पे निकली है, ट्रेड्समैन मेट की और फायरमैन की, ठीक है। तो आपकी जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप वो देख सकते हैं और यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ में बेटा एक ध्यान और देने की बात है कि रीजन वाइज इन्होंने वैकेंसी को ब्रेक कर दिया है। कैसे कर दिया बेटा, रीजन वाइज, मतलब कि एरिया वाइज जो इन वैकेंसी को तोड़ दिया है। जैसे अगर ईस्टर्न आपका रीजन है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, सदर्न है, साउथ ईस्टर्न है, सेंट्रल वेस्ट है और सेंट्रल ईस्ट है, हम किस रीजन में लाई करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मतलब मान लो आप ईस्टर्न रीजन में है तो असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर है। वेस्टर्न रीजन में दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। नॉर्दर्न रीजन में जे एंड के और लद्दाख है, ठीक है। सदर्न रीजन में महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु है। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान और गुजरात है बेटा। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। और
जो आपका सेंट्रल ईस्ट है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सिक्किम, तो सारे रीजन को डिवाइड कर दिया. अगर हम ईस्टर्न रीजन में करें तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख के रखिए कि आपके रीजन में कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं. तो यहाँ से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो कि आप कौन से रीजन से हो, कौन से एरिया से बिलोंग करते हो और आपके रीजन में फायरमैन की कितनी है और ट्रेड्समैन मेड की कितनी वैकेंसीज है. समझ में आ गया? ठीक है, तो इससे पहले आपको पता ही है नियर अबाउट पूरी, अगर पूरी वैकेंसीज को देखें तो 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज ये निकली हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रीजन वाइज है. ठीक है ना, आपके जो जो रीजन रहेंगे वैसे वैसे जो है बेटा ये आपको पोस्ट निकल रखी हैं. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट के लिए क्या होने वाला है, कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान, मतलब नेपाल एंड भूटान के सब्जेक्ट्स भी इसको फिल कर सकते हैं, और तिब्बतियन रिफ्यूजीज हु केम ओवर इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया. ठीक है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं. तो स्पेशली अगर मैं इंडियन सिटीजन्स की बात करूं, ये नेपाल के जो सब्जेक्ट्स यहां पे रह रहे हैं या भूटान के, और साथ में तिब्बतियन रिफ्यूजीज, ये ऑल कैन फिल दिस पोस्ट बेटा. ये जो सभी हैं वो इस पोस्ट को भर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड जितना भी है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन आपके पास है, इफ यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल और तिब्बतियन रिफ्यूजी. ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है आपको वेबसाइट पे पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. मैं चैट बॉक्स के नीचे आपको इसका पूरा का पूरा लिंक डाल के दे दूंगी बेटा, आप वहां से इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप देखोगे नीचे आपको पूरा कैसे आपने फिल करना है, क्या आपका क्राइटेरिया, आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है बच्चे यहीं पे मिलने वाली है. ठीक है, एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो आपका जो ट्रेड्स मैन मेट है उसकी 18 to 25 years एज होनी चाहिए. किसकी? ट्रेड्समैन मेट की. ठीक है, कितनी एज बोली बेटा? 18 to 25 years. उसमें असेंशियल है कि ये ज़रूरी है आपके पास मैट्रिकुलेशन, मतलब आपकी 10th class जो है वो पास होनी चाहिए, या तो इक्विवेलेंट फॉर्म और रिकॉग्नाइज बोर्ड, या तो 10th के इक्विवेलेंट जो भी डिग्रीज होती हैं, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए. 10वीं पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो भी होती है. डिज़ायरेबल का क्या मतलब है? कि नहीं है तब भी चलेगा, अगर है देन इट इज़ वेरी गुड. सर्टिफिकेट ऑफ एनी ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है ना, ITIs होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा कि ITIs जो आपके हरे, अब तो इतने ITIs ओपन हो गए, आपने ITI से भी कोई डिग्री ली है तो वो डिजायरेबल है. मतलब डिजायरेबल का बोलने का मतलब है कि ये चाहते हैं कि आपने की हो. अगर आपने नहीं भी की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये डिजायरेबल है, दिस इज असेंशियल. दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है ना, फायरमैन का अगर देखें बेटा तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए. कब से कब तक बेटा? 18 से 25 साल के बीच में. ठीक है ना, और एज रिलैक्सेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन इसमें है. इसमें भी आप देखेंगे बेटा कि मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपने उसमें करके रखी है तो आप इसके लिए भर सकते हैं. ओके, यहाँ पे बेटा आपने एक चीज़ को देखना है नोट वन में, और जब आप इसको एडवर्टीजमेंट जब आप नीचे देखेंगे ना, मैंने आपको नीचे पूरी ऐड डाल के रखी है, पूरी वेबसाइट का लिंक डाल के रखा है, वहाँ पे आप एक नोट वन को आप ज़रूर पढ़ लें कि कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट बोर्ड. ठीक है ना, जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा वो आपके 10th class में जो लिखी रहेगी सर्टिफिकेट में वही वैलिड होगी. इसके अलावा जो है बेटा कोई भी आप बोल सकते हो कि आपके लिए वैलिड नहीं होने वाली है. ठीक है ना, 21 days जब ये एडवर्टीजमेंट निकली है, ठीक है, तो तब से लेके आप 21 days के अंदर अंदर इसको भर सकते हैं. आपके पास अभी टाइम है, भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही निकली है बेटा. ठीक है, तो यू हैव अ टाइम. www ये यहाँ पे एक्चुअली लिंक है. ठीक है, तो ये जो लिंक है मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपने कमेंट बॉक्स में नीचे, आप वहाँ पे देख सकते हो, टैग कर दिया है. आप इसके थ्रू जो है ये एप्लीकेशन भर के पोस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो बेटा एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज 5 years. ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगी. OBC से है तो 3 साल,
साल, अगर आप जो है बेटा फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है ना, मतलब विजुअली थोड़ा सा आपको है, तो आपको नियरली 10 इयर्स की मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप फिजिकली चैलेंज अनरिजर्व्ड है तो 10 इयर्स, और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 15 इयर्स, ठीक है। फिजिकली चैलेंज्ड है और एससी एसटी है तो आपको 15 इयर्स, ठीक है। एक्स सर्विस मैन है तो 3 इयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज। मीन्स आप समझ सकते हो कि अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, जो भी इसके अंडर कैटेगरी में आता है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टैलिटीज विद द फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है, उनके लिए 3 साल। मतलब जो ऑलरेडी आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं लेकिन वो अभी डिसेबल हो गए हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ते हुए, तो उनके लिए भी बेटा इतने साल की रिलैक्सेशन जो है उसमें दे के रखी है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जिसको समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सिलेबस फॉर द रिटर्न टेस्ट। आपके रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा सिलेबस जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे 50 और मार्क्स कितने रहेंगे टोटल 50, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो आपका एप्टीट्यूड होता है बेटा 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 आपके टोटल इसमें मार्क्स रहेंगे। जनरल इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल से थोड़ी सी यहाँ पे जो है बेटा इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो टोटल आपके 150 मार्क्स का मतलब पेपर बनेगा, और 150 ही मतलब क्वेश्चंस का बनेगा और 150 मार्क्स ही रहेंगे। 2 आवर्स इसका आपका टाइम है, लेकिन जो विजुअली थोड़े हैंडीकैप्ड हैं, जिनको मतलब विजुअली प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है बेटा वो दिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखेंगे बेटा कि पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मीन्स MCQ फॉर्म में रहेगा, मल्टीपल चॉइस में आपको ये पेपर आएगा, ठीक है ना। और आपके क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों ही होंगे, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश ही मीडियम में आनी है ना, और मीडियम में थोड़ी आ सकती है, समझ में आ गया। तो इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि उसमें आपके लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन जो है बेटा वो चेक होगा, ठीक है। तो आपका पेपर किस में रहेगा बेटा, बोथ मीडियम में, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब आपको MCQs क्वेश्चंस होंगे, उसके नीचे क्या होगा बेटा चॉइसेस होंगी जो आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, ठीक है ना। तो गलत क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, अगर गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो है वो 0.25 मार्क्स जो है बेटा वो कट हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो पोस्ट का आपको नीचे डाल दिया है वेबसाइट का लिंक, आप वहाँ से और पढ़ सकते हैं। आपको कोई डाउट है बेटा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को दूर करने की। और अपने चैनल पे मैं इसी जॉब के लिए जो आपकी ये निकली है, इनके लिए बहुत सारे जीके की क्लासेस लगाने वाली हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे बेटा तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। विद दिस, जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो much.